तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि जो डबल एसी ब्लॉक है और रेड ब्रिक्स है, ठीक है, उसमें मतलब डिफरेंस क्या क्या है, कौन सा मतलब बढ़िया है और फिर उसके बाद में कौन सा घर बनाने के लिए सही होता है। तो डबल एसी ब्लॉक जो है हमारा, वो तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो लाइट वेट होता है, ठीक है, ईजिली मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर ब्रिक के कंपैरिजन में अगर देखा जाए कि अगर ब्रिक से कंपेयर करिए तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी डायमेंशन होती है जो कि नॉर्मल साइट पे मिल जाता है 600 × 250 × 150, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो ब्लॉक का वेट होता है वो इस डायमेंशन का 14 14 किलो के आसपास में होता है एक ब्लॉक। और वहीं अगर मतलब ब्रिक्स का देखा जाए तो 8 ब्रिक एक ब्लॉक के बराबर में 8 ब्रिक होता है, अगर उसके डायमेंशन के स्टैंडर्ड ब्रिक के डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए और ब्लॉक के हिसाब से देखा जाए तो, जो कि 35 किलो 35 किलो के आसपास में आएंगे। ये 8 ब्रिक का वेट जो होगा वो 35 किलो के आसपास में आएगा। और जो उसके बाद वाला पॉइंट जो है कि जो डबल एसी ब्लॉक हम यूज करते हैं वो रिड्यूस करता है डेड लोड को, ठीक है। ये मतलब जो डबल एसी ब्लॉक है वो डेड लोड को रिड्यूस करता है, जो कि लाइव लोड और डेड लोड होता है, तो उसमें से जो डेड लोड है मतलब कि कुल मिला के स्ट्रक्चर को हमारे हल्का कर देता है। और फिर उसके बाद में जो अगला पॉइंट हमारा है, इसमें एयर वॉइड्स होते हैं, इसकी वजह से ब्लॉक जो होता है हमारा वो पानी के ऊपर तैरता है, ये डूबता नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ लेबर होगा, कि मतलब कि अगर आपको मान लीजिए 10 बाई 10 का वो कराना है, मतलब चुनाई करानी है, तो इसमें लेबर का कॉस्ट आएगा 400 रुपये और ब्रिक का कॉस्ट आएगा 1400 रुपये। वहीं पर जो ब्लॉक लगेंगे वो लगभग 50 ब्लॉक में ये आपका कंप्लीट होगा, और वहीं पर ब्रिक जो होगा वो 585 ब्रिक्स लगेंगे। अगर जॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो जॉइंट्स आएंगे वो 162 जॉइंट्स आएंगे और 1 बैग सीमेंट लगेगा, ठीक है। और यहीं पर अगर ब्रिक्स की बात करें तो 1656 जॉइंट्स आएंगे और 2 बैग सीमेंट लगेगा ब्रिक की चुनाई में। और अगर मोटार की हम बात करें, ठीक है, जो अगला पॉइंट हमारा है वो मोटार की बात करें कि किसमें मतलब एसी डबल एसी ब्लॉक और फिर उसके बाद में ब्रिक में कॉस्ट ऑफ मोटार, मोटार का कॉस्ट कितना आएगा, तो ये 650 और वहीं पर इसका जो आएगा वो 1350 रुपये आएंगे। वहीं पर ये अगर आप मतलब वायर के लिए कट करते हैं दीवार, या फिर उसके बाद में प्लम्बिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये ब्लॉक जो होगा वो इजिली कट हो जाता है, और ब्रिक जो होगा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ब्रिक को कट करने के लिए। वहीं अगले पॉइंट के लिए अगर चलें तो फिर उसके बाद में जो मार्केट में हमारा साइज अवेलेबल होता है डबल एसी ब्लॉक का और फिर उसके बाद में ब्रिक का, तो जो डबल एसी ब्लॉक है वो हमारा 600 × 200 × 100 mm, 600 × 200 × 150 mm, 600 × 200 × 200 mm, और फिर उसके बाद में 600 × 200 × 225। यहाँ पे एक और है जो कि 125 का आता है और 115 का, ये हमारा मतलब जो कि इजिली अवेलेबल होता है मार्केट में। और ब्रिक जो हमारा होता है वो मतलब स्टैंडर्ड साइज होता है, और ये कंपनी टू कंपनी मतलब कि जो जहाँ से ब्रिक्स आते हैं वहाँ के हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम देखें कि ड्राई डेंसिटी कितनी होती है डबल एसी ब्लॉक की और फिर उसके बाद में ब्रिक की, तो ये जनरली चार चार क्लास पे मतलब डिपेंड करता है, जिसमें पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास, उसी के हिसाब से ब्रिक्स भी है। तो जो पहला क्लास होता है वो 651 से लेकर 750 तक होता है केजी पर मीटर क्यूब, और फिर उसके बाद में जो दूसरा क्लास होगा वो 751 से लेकर 850 केजी पर एम क्यूब, और तीसरा क्लास जो होगा हमारा वो 851 से लेकर 1000 केजी पर एम क्यूब। वहीं पर ऐसे ही ब्रिक होगा 1600 लेकर 1720 केजी पर एम क्यूब, 1721 से लेकर 1820 तक केजी पर एम क्यूब,
और फिर उसके बाद 1821 से लेकर 1920 केजी पर एम क्यूब। और अगर अगले पॉइंट की बात करें हम, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी कितनी आती है डबल एसी और फिर उसके बाद में ब्रिक्स का, तो जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और फिर उसके बाद ब्रिक्स की जो होती है वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डबल एसी ब्लॉक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़िया होता है। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन है वो अपने वेट के हिसाब से, ठीक है, जो ब्लॉक का वेट होगा उसका 10% तक ही वाटर एब्जॉर्ब करता है और जो ब्रिक होता है वो 20% करता है, जो कि मतलब ये भी क्लास पे डिपेंड करता है। तो अगले पॉइंट की तरफ अगर बात करें तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो फायर रेजिस्टेंस कौन सा बढ़िया होता है, डबल एसी ब्लॉक या फिर उसके बाद में ब्रिक। तो जो ये डबल एसी ब्लॉक है वो 4 घंटे तक हमारा फायर रेजिस्टेंस होता है और ब्रिक जो होता है वो 2 घंटे तक होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।